मृत्यु के बाद क्या होता है? हमने कभी इस तरह से सोचा है कि क्या यह संभव है कि यह आत्मा कहीं और से आई है और ये जीवन पूर्ण करने के बाद वो अपने उस घर में वापस चली जाएगी? मृत्यु से डर का जो मेन कारण है वो यही है कि हमें लगता है कि मृत्यु के बाद ना सिर्फ हम अपने परिवारजनों को छोड़ देंगे, अपने मित्रजनों को छोड़ देंगे, बल्कि ये इस भौतिक जगत की जो कार्य, इन जिन कार्यों के लिए हमने अपना जीवन दिया है, वो भी निरर्थक हो जाएंगी, उनका होना भी शून्य हो जाएगा। हम हमेशा से इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है तो मृत्यु के बाद वो जाती कहाँ है? जहाँ आत्मा जाती है वहाँ का स्वरूप कैसा है? हम उस जगह पर पहुंचकर करते क्या हैं? आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप कैसा है? क्या उस स्वर्ग में भगवान नाम का कोई नियंत्रक भी होता है? ये प्रश्न जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, जब से ये खेल शुरू हुआ है, तब से हम मनुष्यों के मन में आते रहे हैं और इनका उत्तर जानने समझने के लिए हम धर्म ग्रंथों को खंगालते रहे हैं। और ये रहस्य हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम अपनी आत्मिक पहचान से पूरी तरह से विस्मृत हो चुके हैं, अपनी आत्मिक पहचान को भूल चुके हैं। आपने ऐसे कितने एक्सपीरियंस सुने होंगे जिसमें कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात शरीर में वापस लौट के आया और उसमें से अधिकतर व्यक्ति एक लंबी सुरंग देखी, एक चमकीली रोशनी देखी और क्षणिक तौर पे बहुत थोड़े समय के लिए उन्हें पवित्र आत्माओं के दर्शन हुए, बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हुई, जो अनुभव उन्होंने हमें बताए। पिछली श्रृंखला में मैंने जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक के ऊपर जो श्रृंखला बनाई थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार विस्पी और रतु, जो कि स्वर्गीय आत्माएं जिनका निधन हो चुका था, उन्होंने अपनी माता के शरीर का यूज़ करते हुए मृत्यु के बाद के विषय में हमें बताया। लेकिन अब जो ये नई श्रृंखला शुरू होने वाली है, इसमें भी हम मृत्यु के बाद के रहस्य खोलेंगे, लेकिन इस बार इस जानकारी का आधार कुछ और है। अब जो ये नई श्रृंखला मैं शुरू करने वाली हूँ, ये डॉक्टर माइकल न्यूटन, जो कि एक सम्मोहनकर्ता थे और लोगों को उनके सम्मोहन के द्वारा वो पूर्व जन्मों में लेकर गए और उस अवस्था में लेकर गए जब अपने पूर्व जन्मों में उन्होंने अपनी मृत्यु को देखा और एक ऐसी अवस्था जिसमें उन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया को देखा। इस पुस्तक में ऐसे बहुत से सच्चे किस्से हैं जिसमें ना सिर्फ मृत्यु के बाद जिस सुरंग का जिक्र किया गया, बल्कि उसको पार करके उस आत्मा लोक में क्या देखा गया उसके विषय में बताया गया। अब हम उन रहस्यों को खंगालेंगे जो किसी भी आत्मा के इस भौतिक संसार में अवतीत होने से पूर्व घटित होती हैं। आत्मा की यात्रा इस पुस्तक के राइटक, एक परामर्शदाता और एक सम्मोहक चिकित्सक के रूप में जाने जाते रहे हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन सम्मोहन के द्वारा बचपन में किसी सदमे के कारण मन में बैठे हुए किसी भाव को प्राप्त करने के लिए, उसे जानने के लिए सम्मोहन विद्या का, जिसे पास्ट लाइफ थेरेपी कहा जाता है, उसके विधि द्वारा उनका निराकरण करते रहे हैं। शुरुआत में उनके लिए पुनर्जन्म और उस अलौकिक दुनिया को समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ भौतिक जिज्ञासा के विषय थे। लेकिन उनका ये नज़रिया उस वक्त बदला जब एक नवयुवक उनके पास अपनी शारीरिक पीड़ा का उपचार कराने के लिए आया और तभी संयोगवश वो एक महत्वपूर्ण खोज कर बैठे। उन्होंने पाया कि किसी सम्मोहित व्यक्ति की मन की आंखों से आत्मा लोक को देखा जा सकता है और जो सम्मोहित व्यक्ति है वो इस पृथ्वी के दो जीवनों के मध्य के जीवन, यानी आत्मा लोक का आंखों देखा हाल सुना सकता है। जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारा अवचेतन मन कितनी अपार ताकतों को समेटे हुआ है, ये उसी का एक उदाहरण है कि अवचेतन मन में न सिर्फ पूर्व जन्मों की बल्कि मृत्यु के बाद के उस आत्मा लोक की भी सभी यादें विद्यमान हैं। इसी प्रकार एक वृद्ध महिला जो उनके पास
अपने एकाकीपन, जो वो बहुत अधिक अकेलापन महसूस करती थी, उसके निवारण के लिए उनके पास आई। तब उन्होंने ये बात एक बार फिर महसूस करी जब वो उस महिला को, उस वृद्ध महिला को, उसके एकाकीपन तक, उसकी जड़ तक पहुंचाने की, सम्मोहन विद्या द्वारा उसके एकाकीपन के मूल वजह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनजाने में वह महिला उस अकेलेपन की मूल वजह में, यानी अपने मित्र गण, उसके प्रियजन जो उसको छोड़कर जा चुके थे, उनसे दूरी जो इसका मूल कारण था, वहां पर पहुंच गई। और जब सम्मोहन की अवस्था में उनसे पूछा गया कि आप ये अकेलापन क्यों महसूस कर रही हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ चूंकि मेरे मित्रगण, मेरे प्रियजन मुझसे दूर हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो यहीं मेरे साथ, मेरे निवास स्थान पर रहते हैं। यानी इस सम्मोहन विद्या द्वारा वो एक वृद्ध महिला को उसके आत्मिक स्वरूप की, उसके एकाकीपन की मूल जड़ तक पहुंचाने में, और उस अवस्था को जब वो अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने उन स्वर्गीय प्रियजन की आत्माएं, जिनको वो, जिनका चले जाना उसे खल रहा था, जिनके बिना वो अकेलापन, अधूरापन महसूस कर रही थी, उनका करीब भी वो पहुंच सकी, उनको भी, चूंकि वो आत्माएं अभी उसी के साथ उसी निवास स्थान पर रहती थी, तो वो उन्हें भी महसूस कर पाई। इस प्रकार की अनेक घटनाओं के बाद जब डॉक्टर माइकल न्यूटन ने ये महसूस किया कि सम्मोहन विद्या द्वारा वो ना सिर्फ पास्ट लाइफ में पहुँच कर उन उसका उससे जो उपजी हुई प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण कर सकते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक आत्मिक स्टेज ऐसी भी आती है जब सम्मोहन के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके पिछले जीवन में मृत्यु के बाद की अवस्था, यानी आत्मा लोक के अंदर का दृश्य भी उसका अवचेतन मन उसे भी बता सकता है। जैसे जैसे माइकल न्यूटन का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उन्होंने अपनी परीक्षणों से अपनी गलतियों में सुधार करके आत्मालोक के विषय में एक उचित क्रम में प्रश्न पूछने का तरीका विकसित कर लिया। अपने लगातार हजारों एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक ऐसी पद्धति विकसित कर ली जिसके द्वारा उन्होंने आत्मालोक के बहुत अलग-अलग भागों की जानकारी एकत्र करने के लिए कब कौन सा प्रश्न पूछना है, यानी आत्मा का कब कौन सा दरवाजा खटखटाना है, ये उन्हें समझ आ गया। और यहाँ पर एक और बहुत खास बात निकल के सामने आई कि जो लोग बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जो लोग बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उन सभी व्यक्तियों पर जब इस प्रकार का सम्मोहन द्वारा उनके ऊपर जांच की गई, तो हर व्यक्ति जिसने भी आत्मलोक का वर्णन किया वो लगभग एक समान था। यानी वो उस आत्मा लोक का एक जैसा चित्र प्रस्तुत करते थे, एक जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे। इस श्रृंखला में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आत्माओं के विकास का कौन सा अलग अलग स्तर होता है, किस प्रकार आत्माएं मृत्यु के बाद की दुनिया में कार्य करती हैं, और किस प्रकार और क्यों वो पुनर्जन्म लेकर इस धरती पर आती हैं। यहाँ पर एक बहुत खास बात और निकल कर सामने आती है कि इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, जिसमें मृत्यु के बाद जीवन को नहीं माना जाता, और डॉक्टर माइकल न्यूटन जो कि खुद ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपनी इस जांच प्रक्रिया में जो उन्होंने निचोड़ निकाला, अपने इस अनुसंधान में जो उन्होंने निचोड़ निकाला, यहाँ पर आकर उन्होंने हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जिस प्रकार पुनर्जन्म की और मृत्यु के बाद की दुनिया की व्यवस्था को वर्णन किया गया है, पुनर्जन्म की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसे उन्होंने सही ठहराया और उसका काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया, जबकि वह खुद एक ईसाई व्यक्ति थे। और इसके बावजूद उन्होंने कई स्थानों पर हिंदू धर्म की इस पुनर्जन्म की मान्यता का जिक्र किया। आत्मा की यात्रा पुस्तक पर आधारित जो श्रृंखला अब मैं शुरू करने वाली हूँ, उसमें विचार और अनुसंधान जो कि डॉक्टर माइकल न्यूटन का है उसी पर आधारित है, लेकिन सिर्फ शब्द मेरे हैं, सिर्फ समझाने का तरीका मेरा है, क्योंकि इस पुस्तक में जिस भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है वह थोड़ी सी कठिन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सरल तरीके से
आपको इस पुस्तक में जो तथ्य वर्णित किए गए हैं, मृत्यु लोक के बाद की दुनिया का जो वर्णन किया गया है उसको, उसके विषय में आपको बहुत सामान्य भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। आत्मा की यात्रा और आत्मा की महायात्रा, यदि आप इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक के माध्यम से यह दोनों पुस्तकें खरीद सकते हैं। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के बाद क्या होता है? हमने कभी इस तरह से सोचा है कि क्या यह संभव है?